भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और घमंडिया गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि उत्साह से स्पष्ट है कि मंडी की जनता ने लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत को विजयी बनाकर संसद भेजने का मन बना लिया है। ये चुनाव सिर्फ कंगना को सांसद बनाने का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में धर्म, जाति, इलाके और फूट डालो और राज करो की राजनीति करती आई थी। आज कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने भारत के लोगों को चमड़ी के आधार पर भी विभाजित करने की योजना बना ली है, लेकिन प्रधानमंत्री ने विकासवाद की राजनीति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे से राजनीति की संस्कृति और परिभाषा बदल दी है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के नेता या तो जेल में है या बेल पर है। ये भ्रष्टाचारी लोग पहले जनता से जाति के नाम पर वोट मांगते थे, लेकिन आज धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी संविधान लेकर तो घूमते हैं, लेकिन उसे कभी पढ़ते नहीं हैं। मैं कौन कौन सी बातें आपके सामने रखूं? मैं आपको लेकिन बताना चाहता हूं, तारीख के साथ बताना चाहता हूं, लापता आई थी और मेरे पत्रकार बंधु विरोध कर ले। जब आपदा आई थी तो 10 जुलाई को 190 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मैं लेकर के आया था। जब आपदा आई थी तो 14 जुलाई को 180 करोड़ फिर से हम लेकर के आए थे। और जब आपदा आई थी तो 1 अगस्त को हम फिर से 400 करोड़ रुपए लेकर के हिमाचल को दिया था। और जब आपदा आई थी तो 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए दिए थे। और दिसंबर 12 तारीख को फिर से हिमाचल प्रदेश को मोदी जी ने 600 करोड़ आपदा राहत में दिए थे। 600 करोड़ इस जमाने में फूट डालो, राज करो, धर्म के नाम पर राजनीति करो, जाति के नाम पर राजनीति करो, इलाके के नाम पर राजनीति करो, पहाड़ और मैदान के फर्क को करके राजनीति करो, जाति को जाति से लड़ाई करके राजनीति करो और वोट बैंक की राजनीति तुष्टिकरण करो। तुष्टिकरण इंडिया है क्या? ये घमंडिया गठबंधन है क्या? हमारे विरोध में लड़ने वाले लोग हैं कौन? ये वो है सारी पार्टियां जो परिवारवाद से ग्रसित हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त। एक बार मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, नाम से लेकर तहसील से, और ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो बचाना है क्या भ्रष्टाचारियों को? जरा जोर से बोलो बचाना है भ्रष्टाचारियों को? ये सारी परिवार की पार्टियां है कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन परिवार की पार्टियां है कि नहीं है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश, जिंदल परिवार की पार्टी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, मीना परिवार की पार्टी, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी, उदयनिधि, स्टालिन, स्टालिन, करुणानिधि परिवार की पार्टी, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी। ये सभी लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी। मुझे याद है यूपीए के जमाने में गोली चलती थी और हम लोगों को कहा जाता था कि तुम रिपोर्ट करो। हमारा फौजी खुद से रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर, चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली को, जवाब नहीं आता था, हफ्ते भी जाते थे। ये मोदी जी की सरकार है जिसमें ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, कहीं से भी गोली चले जब तक गोली चलाने वाले को शांत न कर दो तब तक वापस नहीं आना। इस तरीके का अभी चर्चा आ रही थी सर्जिकल स्ट्राइक की, उड़ी की घटना घटी। कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम घर में घुस कर जवाब देंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस कर दुश्मनों के छक्के छुड़ा। पुलवामा की घटना घटी,
कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये शब्द नहीं कहे जो उन्होंने कहे, मोदी जी क्या कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके उनके सारे कैंप भर कर दिए और पाकिस्तान देखता रह गया यह परिस्थिति आ सकती है।